नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फतेहपुर में पड़ोसी देश चीन द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंक दिया। साथ ही भारतीय सामान अपनाने व चीन का सामान भगाने जैसे नारे लगाए। साथ ही स्थानीयों ने कहा है कि भारतीय सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इससे पहले शहीद सैनिकों को पटेल प्रतिमा के समीप मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति का पुतला आग के हवाले कर चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने भारतीय सामान अपनाना है, चीनी सामान भगाना है के भी नारे बुलंद किए। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। स्थानीयों ने सरकार से मांग की कि चीन को करारा जवाब दिया जाए और सैनिकों की शहादत अब बर्दाश्त नहीं होगी। सैनिकों की शहादत का जोरदार बदला लिया जाए जिससे उसकी दोबारा सैनिकों की ओर देखने की हिम्मत ना हो। ज्यादा लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया के दिशा निर्देश से फतेहपुर ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश आज चीन के राष्ट्रपति का पुतला गया है और चीन के सामान का बहिष्कार किया गया है। किस स्तर पर बहिष्कार करेंगे? हम लोग संकल्प कर लिए हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता कि चीन का कोई भी सामान हम लोग उपयोग में नहीं लाएंगे, स्वदेशी सामान का ही उपयोग करेंगे। हमारे जो देश के सेना के जवान शहीद हुए हैं उन सेना के जवानों के लिए हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि इस प्रकार से देंगे, मैं अपने युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि जो चीनी सामान हम लोग खरीदते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उन चीनी सामानों को अगर आप खरीदेंगे तो वो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी सेना के लिए कफन का पैसा चीनी सेना को दे रहे हैं। अगर आपने ये सामान खरीदना बंद कर दिया, आप ये समझ लीजिए कि हमारे इस भारत देश से 3.5 लाख करोड़ का सालाना व्यापार चीनी भारतीयों से करते हैं, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के जितने भी त्यौहार हैं, जो भी हम लाइटिंग खरीदते हैं, उस लाइटिंग का ये मैं जो आपको पैमाना बता रहा हूँ 3.5 लाख करोड़ का, ये सिर्फ जो झालरें इस्तेमाल करते हैं वो झालरें ये सिर्फ त्यौहारों में बेचते हैं।